हेलो गाइस, मैं हूं राम नारायण जायसवाल। तो फाइनली आज मैं फिर से शिवरी नारायण पहुंच चुका हूं दुर्गा पंडाल के पास। तो दुर्गा पंडाल को मैं अगले बार आपको दिखाया था तो दुर्गा पंडाल जो पूरी तरह से नहीं बन पाया था और मूर्ति भी नहीं बन पाया था, तो आज मैं फिर से पहुंच चुका हूं दुर्गा पंडाल के पास। ये देखिए दुर्गा पंडाल जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और मूर्ति भी आज बन चुका है और अभी पूजा हो रहा है मूर्ति का। तो अभी पूजा हो रही है इसलिए मैं अंदर की ओर नहीं गया हूँ, आपको अंदर की ओर ले जाकर फिर से दिखाऊंगा और अंदर को किस तरह से सजावट किया गया है उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो आप लोग इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक। ये देखिए अभय भाई और मैं दोनों जने हम लोग पहुँच गए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर की ओर ले चलता हूँ, आप लोग इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक। चलिए देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब हम अगली बार वीडियो बनाने के लिए आए थे तो नहीं सोचे थे कि इतना अच्छा से दुर्गा पंडाल जो है बन पाएगा, क्योंकि उस बार आए थे तो सिर्फ बांस लगा हुआ था, बांस से सजावट किया जा रहा था, तैयारी कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छे से लग रहा है, देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम फिर से अंदर की ओर जाने वाले हैं, अभी पूजा चल रहा है इसके वजह से अभी हम बाहर में ही हैं। हम लोग जो है 6 बजे से आए हुए हैं और अभी 9:30 होने वाला है, फिर भी अभी तक गेट जो है नहीं खुला है। तो अभी हम लोगों को वेट करते हुए 3 घंटा हो गया है, अब आधा घंटे के अंदर लगभग खुल जाएगा। जब तक हम लोग अंदर नहीं जाएंगे तब तक तो घर नहीं जाएंगे। तो अब देखते हैं कब तक गेट जो है खुलेगा, फिर अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। चलिए दुर्गा पंडाल के जस्ट आगे ही एक गार्डन है, उस गार्डन में हमारे प्रभु श्री राम जी का मूर्ति बना हुआ है। माता सबरीनदाई जो है हमारे प्रभु श्री राम जी को बेर खिला रहे हैं। ये देखिए ये बेर है, हमारे प्रभु श्री राम जी को बेर खिला रहे हैं। हमारे भगवान जी जो है हाथों में बेर को पकड़े हुए हैं और ये हमारे लक्ष्मण भगवान जी है। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए ये जस्ट आगे में ही दुर्गा पंडाल बना हुआ है और दुर्गा पंडाल के जस्ट आगे में ही ये हमारे प्रभु श्री राम जी का मूर्ति बना हुआ है। तो अभी दुर्गा पंडाल जो है अभी पूजा चल रहा है उसके अंदर, इसलिए हम लोग उतना टाइम तक इधर आ गए हैं वीडियो शूट करने के लिए। ये देखिए अंदर की ओर प्रवेश कर चुका हूँ मैं, वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं। ये देखिए अब मैं अंदर की ओर प्रवेश कर चुका हूँ और अभी वीडियो फोटो लेने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए मैं दूर से ही वीडियो फोटो ले रहा हूँ और आप लोगों को अंदर की ओर दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से सजावट किया गया है, हमारे जितने भी आगंतुक बंधु हैं, देखिए अंदर को बहुत ही अच्छे से सजावट किया गया है। अब किसी भी समय मुझे आकर वीडियो को बंद करा सकते हैं। अभी पूरी तरह से दुर्गा माता जी का मूर्ति जो है बन नहीं पाया है, इसलिए अभी वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं। फिर भी मैं रिक्शा लेकर यहाँ पर छुप कर वीडियो बना रहा हूँ और फिर से एक दिन हमको आना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि पूरी तरह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम आपको जूम करके दिखाते हैं वीडियो को, हमारे दुर्गा माता जी की मूर्ति को। ये देखिए अभी आँख जो है बन रहे, पूरी तरह से नहीं बन पाया है। यहाँ नरसिंह भगवान है हमारे और भोलेनाथ जी का भी मूर्ति बना हुआ है। और देखिए सजावट जो है बहुत ही अच्छे से किया गया है यहाँ। अब फिर से देखिए वीडियो को अगर देखेंगे, वीडियो बनाने करके तो मेरे को मना करेंगे, मोबाइल छीन लेंगे करके मना किए हैं। तो अब चलिए ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, देखिए अनाउंस कर रहे हैं वीडियो नहीं बनाना है करके मना कर रहे हैं। तो अब चलिए चलते हैं हम बाहर की ओर, चलिए आप लोगों के लिए मैं रिक्शा लेकर वीडियो बनाया हूँ। तो ब्लॉग जो है यहीं तक था क्योंकि और अंदर का शूट लेने नहीं दे रहे हैं, तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो चलिए अब ब्लॉग को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आज वीडियो फोटो नहीं लेने दे रहे हैं, किसी को भी मना कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलिए बाय बाय।